जिन्हें मोदी सरकार ने सबसे खास गिफ्ट दिया। आज पीएम मोदी ने 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया। रोजगार मेले में इस तोहफे से युवाओं में जोश है। मोदी सरकार का वादा है कि वो पहली किश्त है, अभी लक्ष्य 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना है। लेकिन मोदी सरकार की इस पहल को विपक्ष नाकाफी बता रहा है। कोई इसे अपने राज्य में किए गए पहल की नकल बता रहा है तो कोई पूछ रहा है कि 16 करोड़ रोजगार के वादे का क्या हुआ। आपको बताना जरूरी है कि 2022 तक 40 करोड़ लोगों को रोजगार पाने लायक स्किल ट्रेनिंग देने के लिए सरकार 2015 में स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत भी सरकार ने किया ताकि बेरोजगारी कम हो सके। लेकिन बेरोजगारी इतनी है कि इसे पूरा करने में 100 साल लग जाएंगे। तो सवाल यही इससे शुरू होता है कि क्या हमारा देश बेरोजगारों के साथ पूर्ण विकसित राष्ट्र बन पाएगा? क्या सरकारी नौकरी के जरिए ही रोजगार का संकट दूर होगा? क्या स्टार्टअप जैसे मिशन बेरोजगारी के दर को कर रहे हैं? आखिर विपक्ष को सिर्फ सरकारी नौकरी के आंकड़े ही क्यों दिखते हैं? सवाल कई है, सबका आज होगा हिसाब। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये खास। 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, और बहुत खुशी महसूस हो रही है।